भाई तेरे लिए गाना गाया, विदा करो, तेरे को विदा में लेके आ रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत दिनों बाद हमारा व्लॉग आ रहा है और रीज़न तो आपको पता चल ही गया है कि क्यों इतने दिनों के बाद हम आ रहे हैं। वक्त के साथ आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। तो यहाँ मैं, फहद और शमशु जा रहे थे इरफान के गांव में, विच इज़ इन कोंकण। तो हम लोग निकल गए थे सुबह के 3 बजे। तो हमारा प्लान था कि सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग निकल के संडे को नाइट तक वापस आने का, क्योंकि मंडे से फिर वापस ऑफिस भी ज्वाइन करना था। तो ये 2 दिन में हमें पूरा कोंकण और मालवन का टूर करना था। एंड दिस इज गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट रोड ट्रिप, जहां हमें 424 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। तो महाड़ और चिपलून से होते हुए हम जाने वाले थे सागवे गांव, और करीब 10 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए थे सागवे गांव, इरफान के गाँव में। और वहाँ पे जाते ही हमने शादी अटेंड की, और ये है वहाँ का स्पेशल शादी का खाना जिसको बोलते हैं दुखट, जिसमें राइस के साथ मिलता है सूखा मटन, साथ में चना, और ये ग्रेवी है। और ये रात के डिनर के लिए इरफान लोग ने लाए थे वहाँ के स्पेशल फ़िश, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम आ गए थे देवगढ़ बीच पे, और यहाँ पे ये इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल जिप लाइन है, जिसका लेंथ है 1885 फीट और हाइट है 280 फीट। और यहाँ टॉप से जो बीच का व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। कैसा लग रहा है गांव के, गांव में आके, गांव का भी गांव है ये तो, डबल गांव। पूरा पानी था यहाँ तक कल, ये जो दिख रहा है यहाँ तक, ये है आम का पेड़, और वहाँ पे है मस्जिद, यहाँ की जामा मस्जिद। ये देखो कितने बड़े बड़े आम है इधर, ये देखो कितने सारे आम हैं। ये है इरफान के ससुराल वालों का घर, और ये है पूरा उनका कंपाउंड। ये कम से कम 2 एकड़ का तो होगा। लग रहा है राइस जैसा, लेकिन कुछ और है। राइस कब बनता है, मतलब स्वीट रहता है राइस पे ना? स्वीट में रहता है। अच्छा, कॉफी नाश्ता है ओके गुरुजी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तारकर्ली बीच, विच इज़ इन मालवन, ठीक है। तो निकल चुके हैं, मेरे साथ है गाड़ी में फहद, शमशु एंड इरफान का बेटा बिलाल। इरफान का बेटा बिलाल
गौर से देखो हमारे अंकल टॉम को कितना खुश लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद इनकी हालत खराब होने वाली है। मेरा भतीजा मतलब हमारा भतीजा और साथ में है जैन भी। ठीक है तो निकल गए हैं मालवन के लिए। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है सागुए गांव से। तो वहाँ पहुँच के हमारा प्लान है लंच करने का, थोड़ा वहाँ पे एक्सप्लोर करने का बीच को, और फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे डायरेक्ट मुंबई के लिए। मुंबई जाने का जो ट्रिप है वो ऑलमोस्ट वहाँ से देखना पड़ेगा, 10 आवर्स का डिस्टेंस है। तो वहाँ जाके पहले एक्सप्लोर करते हैं, आपको चलो चाचा आगे। और वहाँ पे इरफान दूसरी गाड़ी में आ रहा है, इरफान तजिन। दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ आसमान दिख रहा है, रास्ते और आसमान। इसके ऊपर कुछ शायरी हो जाए, फिर कुछ शायरी हो जाए। शायरी शायरी तो हमारा दोस्त शमशु बोलता है। बोलो अंकल टॉम, आर यू शायर और आर यू फायर? फायर पुष्पा द फायर या फिर कायर? Well, this is a boys' trip. Yes. Is boys' trip enjoying? Yes, Zifa is very much enjoying. Alone? Sing my family. I am to missing my family. I am missing my kids. On camera, ऐसा बोलना पड़ता है ना? हाँ, okay भाई. Otherwise. Boys' trip पे आए हम लोग. और दो छोटे boys भी हमारे साथ में. Master boys. Master boys. मैट ग्रुप के फीचर है हमारे। इनके ऊपर जिम्मेदारी है मैट ग्रुप संभालने की। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहां ठहरे। Wow, what a view! Wow, what a view! हमारे अंकल टॉम को उल्टी हो गई। पूरी तरह से नाश्ता एकदम हैवी कर लिए। कभी भी ट्रिप पे जाओ तो एक बात याद रखो, एकदम हैवी स्नैक मत खाओ, दबा के मत खाओ, उल्टी होएगी। खास करके ऐसे रूट पे जहाँ पे आपको मालूम है कि कर्व बहुत है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अरे हम लोग हर थोड़ी देर में चेक कर रहे हैं, रास्ता एक बार चेक कर, क्योंकि रास्ता पूरा है ना, यहाँ से यहाँ था अपने को जाने के लिए पॉइंट तक जाना पड़ेगा। बराबर देवबाग नहीं जाना, देवबाग नहीं, तारकर्ली बीच पे रुकेंगे। देवबाग तक नहीं जाएगा, तारकर्ली बीच तक ही जाएंगे। देवबाग तो वो है और आगे जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, तारकर्ली तक ही जाएंगे हम लोग। कौन सा ये कौन सा एरिया है? आचार्य आचार्य बीच। ये साइड का व्यू देखो, नाइस। हमारे अंकल टॉम जब भी अंडा खाते हैं तो अंडे का भुर्जी बना के बाहर निकालते हैं। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा सच्चा वो सेम ही खा लेता। 400 रुपये का डजन, 5 डजन तो बहुत 1800 ला दे, 200 रुपये कमी होते। माझे तर टेस्ट बोला पेटाचा झोल हे कसे हे 500 रुपये पिकलेला आहे, म्हणजे तुम्हाला जर मुंबईला वगैरे न्यायचं असेल ना तर 1-2 दिवसांनी तुम्ही खाऊ शकता। कसं? अच्छा तो आ गए हम लोग तारकर्ली बीच, पहुंच गए बहुत देर के बाद। अभी हो रहा है 1 बज रहा है, एग्जैक्टली 1 बज रहा है। तो प्लान ये है कि यहाँ पे ये लोग जाएंगे, पानी में जाएंगे, खेलेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम लोग लंच करके निकल जाएंगे। अभी फिलहाल ही लोग आइसक्रीम खा रहे हैं सब लोग। तू भी खा ले, तेरा पेट ठंडा रहेगा थोड़ा। मैं नारियल पानी पीना रहेगा, नारियल पानी अभी खा ले। आइसक्रीम गर्मी में आइसक्रीम खाओ। पूरा शॉप इधर, यहाँ से पूरा रेंट पे कपड़े मिलते। फिश स्पा। तो ये है तारकर्ली बीच, सब वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और
इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है आज, इवन दो आज संडे है, टूरिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, बट इतने नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है ये बीच। किसका फोन पी रहा है? मेरा कौन काला है? नारियल नहीं है ना इधर? हो रंगी से ये बुलबुले, थोड़े से है चुलबुले, पल पल करते अटखेलियां।